हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्षी सिंह और आज हम लोग बात करेंगे 12 जून के चुनिंदा करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों पहले आप लोगों को बता दें क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम देना था आपको, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। यानी नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी हु डाइड रिसेंटली। और इसका सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि आर वी जानकी रमन। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पर्सन इन न्यूज का नाम है। ठीक है, तो आंसर था हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि आर वी जानकी रमन। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो चला है और ये पुदुचेरी के पूर्व सीएम थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर खबर पर चलते हैं। आप इनके यहाँ पर एक बार फोटो देख सकते हैं। फॉर्मर पुदुचेरी चीफ मिनिस्टर एंड अ सीनियर डीएमके, यानी डीएमके जो है इनकी पार्टी थी जिसके ये नेता थे। ठीक है, नाम इनका आर वी जानकी रमन। इनका जो है निधन हो गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये खबर है दोस्तों 10 जून की। और इनको जो बीमारी थी वो थी एज रिलेटेड, यानी कि इनकी जो एज थी वो थी 79। तो जो ओल्ड एज की जो समस्या होती है उसी से ये ग्रसित थे, जिसके कारण जो है इनकी डेथ हो गई। फिलहाल बता दें कि इनका लास्ट टाइम में जो है इनका एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। पर फिलहाल दोस्तों बता दें कि इनका जो कार्यकाल था एज अ सीएम ऑफ पुदुचेरी वो था 1996 to 2000। ठीक है, तो क्या था दोस्तों 1996 से लेके 2000 के बीच में ये वहाँ पे सीएम थे। बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव का नाम बताना है आपको, जिन्हें हाल ही में उसी पद पर दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है। तो नेम द प्राइम सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Who has recently been recruited in the same post? तो बता दे दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है इस बार आपका वो है अगेन ऑप्शन ए, यानी कि नृपेंद्र मिश्र। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों? नृपेंद्र मिश्र। तो यहाँ पर है दोस्तों खबर, नृपेंद्र मिश्र की हम लोग बात कर रहे थे एंड पीके मिश्र। ये दो नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि नृपेंद्र मिश्र जो है दोस्तों, जो कि आपका आंसर है, इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जो है इन्हें प्राइम सेक्रेटरी तो चुना गया ही है दोबारा से, यानी ये पहले भी इसी पद पे थे। इसके अलावा जो हमने दूसरा नाम लिया यहाँ पर पीके मिश्र, उन्हें एडिशनल प्राइम सेक्रेटरी चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि प्राइम सेक्रेटरी कौन है और एडिशनल प्राइम सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, एडिशनल यानी कि जो अतिरिक्त होता है। ठीक है, यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं, वो है पीके मिश्रा। पर आपका मेन आंसर है नृपेंद्र। तो द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड बोथ द अपॉइंटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई। यानी कि दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है ना, यानी कि वो कमेटी जो कि जिसको जो है अपॉइंटमेंट करनी थी, तो उसने जो है इस बात को मंजूरी दी और इन लोगों का जो कार्यकाल है वो शुरू होगा 31 मई से। कब से? 31 मई से जो है इनका कार्यकाल शुरू जो है इनका एक तरीके से हो चुका है। ठीक है, फिलहाल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स इशूड बाय द पर्सनल मिनिस्टर। ठीक है, तो बता दें कि यहाँ पर जो है जो कार्मिक मंत्रालय है उसने ही जो है ये निर्देश जारी किए थे। तो हम बात कर रहे थे नृपेंद्र मिश्रा की। ठीक है, तो इनको जो है चीफ सेक्रेटरी चुना गया है। चीफ सेक्रेटरी कह लीजिए या फिर इनको आप प्राइम सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, दोनों ही जो टर्म है आपको न्यूज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको जो है दोस्तों द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन अ मई, इनको दोस्तों फर्स्ट टाइम यानी कि नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था ना 2014 से लेकर 2019, तो इस कार्यकाल में इनको 28 मई 2014 को चुना गया था इस पद पे। और 11 जून को जो है यानी कि जो कल दिन बीता है, दोबारा से इनको इसी पद पे वापस चुन लिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंतर क्या है, तब भी अगर वो इसी पद पे थे और अब भी इसी पद पे हैं, अंतर ये है कि इस बार इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये अंतर आपको याद रखना है। यही तो न्यूज़ है कि जो दोनों नाम मैंने लिए, नृपेंद्र मिश्र और पीके मिश्र, ये दोनों के दोनों को जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिला है इस बार। तो हम लोग यहाँ पर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। नृपेंद्र मिश्र, ठीक है, तो ही इज अ 1967 बैच रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश कैडर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा, ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के IAS ऑफिसर हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। और दूसरे हैं पीके मिश्र, तो 1972 बैच रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर। तो गुजरात राज्य में जो हैं ये IAS ऑफिसर थे 1972 बैच के, और ये भी जो हैं रिटायर्ड हो चुके थे। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विश्व बाल
श्रम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल है, आज की तारीख क्या है, आज है 12 जून और 12 जून को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेज होती है कैटेगरी उसके लिहाज से ये क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ऑब्जर्व टुडे, टुडे यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये न्यूज़ आपको बता रहे हैं। आज ये जो है हर साल 12 जून को मनाया जाता है, तो जो मार्क करूँ इसे जरूर याद रखिए। क्यों मनाया जाता है अगर क्वेश्चन आता है, तो सिंपल है, रेज अवेयरनेस अबाउट द प्लीट चाइल्ड लेबर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यानी कि जो भी बाल श्रम चल रहा है, ठीक है, दुनिया भर में, तो उसके बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए। और बाल श्रम ये है, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि किस एज के लोग जो हैं बाल श्रम इसमें जो है इनको गिना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों बता दें अंडर 14, ठीक है, अंडर 14 जो एज है दोस्तों, 14 साल या 14 साल से कम, तो इसमें जो भी इस एज के बच्चे कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो वो आपका बाल श्रम में ही आता है। दिस ईयर थीम, इस बार का जो दोस्तों विषय है वो है चिल्ड्रंस शुड नॉट वर्क इन द फील्ड बट ऑन अ ड्रीम्स। यहाँ पे बताया गया है थीम ये है, विषय ये है कि बच्चों को फील्ड से, यहाँ पे मतलब है किसी भी फील्ड से, फिर चाहे वो गांव खेत हो या फिर कोई क्षेत्र हो, मैदान हो, कैसा भी, यानी बच्चों को जो है कहीं पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने सपनों पे ज़रूर उन्हें काम करना चाहिए, यही यहाँ पर हिंदी में मतलब है। ILO यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, तो इसने जो है सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को, कब? 12 जून को सन 2002 में। ठीक है, तो सन 2002 से जो है दोस्तों ये वर्ल्ड डे, ये जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है ना, ये आपका मनाया जाना शुरू हुआ कब से? सन 2002 से। यानी अगर एक वन लाइनर बन जाता है आपके सामने कि कब पहली बार मनाया गया, तो 2002 आपको याद रखना है, ठीक है, वो भी ILO के माध्यम से। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल अराउंड 152 मिलियन चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि करीबन 152 मिलियन आपका कितना हुआ, यानी कि 15.2 करोड़, ठीक है, बच्चे ऐसे हैं जो कि मजबूर हैं काम करने के लिए। यहाँ पर बात अभी मैं अंडर 14 की ही कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अच्छा मैंने यहाँ पे 2011 सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना को मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों उसके बाद का जो है अभी डेटा आया ही नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है कि तब 25.96 करोड़ बच्चे जो है थे, ठीक है, और कौन से 5 से लेकर 14 वर्ष के बीच की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 25.96 करोड़ बच्चे थे, और उनमें से 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम में जो हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। तो ये एक डेटा था जो मैंने बताना ज़रूरी समझा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? तो निम्न में से यानी कि आपको इन ऑप्शंस को पढ़ना है और पहचानना है वो कौन सा सही ऑप्शन है कि किस चीज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। तो बता दें दोस्तों, अगेन द आंसर इज ए, यानी कि ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर। यानी ATM तो आप जानते ही हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरचेंज शुल्क संरचना है, ठीक है, तो इसी की समीक्षा के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया है। तो बढ़ेंगे हम लोग पहले खबर पर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ 6-member committee। तो उसने एक कमेटी बनाई है, कमेटी में जो है 6 लोग हैं, ये चीज़ आपको याद ही रहेगी। और मेन चीज़ तो ये होती है, लेकिन किसी भी कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो उसने जो कमेटी बनाई है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं VG कन्नन, ठीक है, तो VG कन्नन है इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कमेटी का काम क्या होगा, ठीक है। तो पहली बार बता दें, VG कन्नन जो है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये समीक्षा करेंगे किस चीज़ की, ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर, जो कि आपका आंसर था जो मैंने विकल्प दिया था। अब देखिए ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी एक समीक्षा करेगी, पर समीक्षा किस चीज़ की, तो ये जो स्ट्रक्चर जो अभी वर्तमान में जो आपका जो संरचना चल रहा है ना ATM को लेके, ठीक है, उसका जो पैटर्न चल रहा है, जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट का जो पैटर्न है, जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है, जो इंटरचेंज फी लगती है ATM में ट्रांजैक्शन करने पर, इन बातों पे समीक्षा करेगा। अब अगर मैं आपको सरल शब्दों में अपनी तरफ से बताऊं, तो जब मान लीजिए कि आपके पास में SBI का ATM कार्ड है और सामने आपके पास में SBI का
एटीएम मशीन है, तो जब आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास में एसबीआई का एटीएम चार्ज होने के बाद में आप पहुंच जाते हैं किसी और बैंक में पैसा निकालने के लिए, तो आपको पता है कि कुछ निश्चित जो है ऑप्शन के बाद में आपको चार्ज देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बीओबी ने कह दिया कि 3 ट्रांजैक्शन तो कर सकते हो, पर 3 से ऊपर किया तो एसबीआई वाले या कोई भी दूसरे बैंक वालों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो इन्हीं चार्जों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इन्हीं पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि इसी चीज़ की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है आरबीआई ने और अध्यक्षता करेंगे वीजी कन्नन। तो ये तो नाम आप याद ही रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने नाम लिया 6 मेंबर का, आप जान गए कि ये हेडेड बाय कौन है, वीजी कन्नन। अब बचे बाकी के 5, तो बाकी के 5 अब यहाँ पे देख लीजिए अपने आप। अगर दोस्तों इसी चीज़ से क्वेश्चन आपको कोई घुमा के पूछा जा सकता है ना, तो ये बनता है आपका, ये एक सैंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि आरबीआई द्वारा इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए गठित की गई एक समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। तो हु विल बी द हेड ऑफ द कमिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आरबीआई टू रिव्यू द इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर, एंड आंसर इज वीजी कन्नन, है ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऊपर से समझाता आ रहा हूँ, इसलिए आपके लिए यहाँ पे आसान हो गया इसका आंसर देना। तो बढ़ेंगे लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो दोस्तों कौन है वो। तो दोस्तों बता दें कि फिर से इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि शरद कुमार। तो ये रहे दोस्तों शरद कुमार, ठीक है। शरद कुमार अपॉइंटेड एज अ इंटरिम चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो ये चीज़ तो ज़रूरी याद रखिए, जो हेडिंग वाली चीज़ है। तो विजिलेंस कमिश्नर है ये अभी शरद कुमार, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिए। अपॉइंटमेंट में भी नाम आ जाता है, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में भी। तो हैज़ बीन नेम्ड इंटरिम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। इंटरिम आप समझते हैं ना, जिसे आप हिंदी में अंतरिम कहते हैं, ठीक है। तो अंतरिम का मतलब क्या हो गया, मतलब एक परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। तो अब इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंटरिम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ से आप आगे पढ़िए, दूसरा पॉइंट है अंटिल, यानी सिर्फ तब तक के लिए इनको दोस्तों इस पद पे नियुक्त किया गया है जब तक जो है एक सिलेक्शन पैनल, यानी एक पैनल जिसको जो है सिलेक्शन करना है एक नए जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का, ठीक है। और इसकी जो हेडेड है, इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। तो इनको सिर्फ तब तक के लिए इस पद पे चुना गया है जब तक कि भैया नए बंदे को ये लोग नहीं ढूंढ लेते हैं, यही था इस लाइन का मतलब। फिलहाल फॉर्मर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, बता दें कि पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, इनका नाम था KV चौधरी, ठीक है, KV चौधरी। एंड विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, यहाँ पे दोस्तों बात है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहिए तो आप लोग इसको लिख कर याद करिए, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और द सेकंड है विजिलेंस कमिश्नर, वो थे TM भसीन, ठीक है। तो ये जो दोनों नाम हैं जो मैंने लिए हैं, ठीक है, ये दोनों अब इस पोस्ट पे कार्यरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लोग, यानी KV चौधरी और TM भसीन, कंप्लीटेड डेयर टेन्योर, इन्होंने अपने कार्यकाल पूरा कर लिया है। एक ने किया है पूरा अपना संडे को 9 जून को, और दूसरे ने पूरा कर लिया मंडे को 10 जून को। तो दोनों का ही खत्म हो गया है अभी फिलहाल। इन दोनों की ही जो जगह है वो अकेले ये जो शरद कुमार जी हैं ये अभी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही जल्दी दूसरे को हायर कर लिया जाएगा। फिलहाल मिस्टर कुमार, यानी शरद कुमार की हम बात कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये पूर्व जो है चीफ थे, ठीक है, टुक ओवर अ विजिलेंस कमिश्नर। तो दोस्तों 12 जून को इनको, यानी कि आज जो है इन्होंने इनको इस पद पे, इनको जो है इनको इस पद पे काम करने के लिए इनकी जो है आज से शुरुआत ही। और इनका जो टेन्योर है ये ख़त्म होगा आपका अक्टूबर 2020 में। कब होगा? अक्टूबर 2020 में। फिलहाल टेन्योर कब खत्म होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इनका टेन्योर तब खत्म होगा अक्टूबर 2020 में जब ये 65 साल के हो जाएंगे, क्योंकि वो एक एज फिक्स होती है कि इस एज पे जो है रिटायरमेंट होती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वायु सेना का निम्न में से वो कौन सा विमान है जो 3 जून को गायब हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स वैनिश ऑन June 3rd, तो बता दें दोस्तों कि इस बार भी इसका सही जवाब है AN-32, ठीक है। यानी क्या सही जवाब है दोस्तों? AN-32। अगर आप आंसर ही केवल याद करेंगे मेरे बताए पे, तो यकीन मानिए ऑप्शन देके कंफ्यूज हो आपको नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि फिर चाहे कुछ ऑप्शंस आपके सामने बदल बदल के आएंगे परीक्षा में, लेकिन अगर आंसर याद है तो चाहे जैसे भी आ जाए AN-31 AN-30, आपको याद रहेगा कि आंसर तो हमारा जो है वो आपका AN-32 ही है, ठीक है।
तो बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं जिसमें बहुत ही हजारों फुट ऊपर से फोटो ली गई है, जिसमें दिखाया गया है कि एक क्रैश विमान को, ठीक है, इसके यहाँ पे जो है परखच्चे उड़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों बता दें कि ये बहुत ही एक सैड न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 13 पैसेंजर थे जिनके अभी बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो फिलहाल ये एक तरीके से राष्ट्र के लिए नुकसान है। खबर क्या है कि अ टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, यानी भारतीय वायुसेना के एक टीम ने जो है ऑफिशियली हैज बीन अक्रॉस द डेब्रिस ऑफ द मिसिंग IAF जेट AN-32। तो दोस्तों एक जेट विमान है जिसका पूरा नाम है AN-32, ठीक है, ये आपका रडार से गायब हो गया था 3 जून को। 3 जून को गायब हुआ था, यानी तब से लेकर आज तक जो है करीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 जून को गायब हो गया था, तब से दोस्तों जांच पड़ताल चल रही थी, इसे ढूंढा जा रहा था और फाइनली जो है इसे पा लिया गया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में पाया गया है कि जिसमें जो है ये न्यूज़ एक दुखद न्यूज़ हो जाती है कि क्योंकि ये प्लेन जो है ये क्रैश हो चुका है पूरी तरह से। द जेट वॉज कैरिंग 13 पैसेंजर, ठीक है, यानी 13 पैसेंजर को ये लेके जा रहा था। कहाँ पे? असम में एक जगह है जोरहाट, तो असम की एक जगह है जोरहाट से लेके जा रहा था। और कहाँ लेके जा रहा था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश लेके जा रहा था, वहाँ पर जो है एक रिमोट बेस, मतलब वहाँ पे एक दूर दराज एरिया में जो है वो लेकर जा रहा था ये विमान, ठीक है। और ये जो है करीबन मिसिंग हुआ 12:25 जो है दिन के समय में, ठीक है, और वो भी अपने उड़ने के जो है करीबन आधे घंटे बाद। तो बता दें दोस्तों कि अभी तक उन 13 पैसेंजर के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। द IAF हैज कंफर्म, लेकिन जो है वायुसेना ने जो है ये कंफर्म कर दिया है कि रैकेट ऑफ द मिसिंग AN-32 वॉज स्पॉट, वो मिल गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के ही नॉर्थ ऑफ लिबो में जो है ये मिल गया है, इट वॉज डिस्कवर्ड। और इसको जो ढूंढना है जिस विमान ने, वो एयरफोर्स का ही एक विमान है जो कि है MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसने जो है इसको ढूंढना है। फिलहाल दोस्तों वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, आपको बताना है। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान? तो दोस्तों मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार करूंगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें लाइक के जरिए ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।